हरियाणा के स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जहां योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी की डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। इस विश्वविद्यालय में योग कोर्स शुरू हो चुके हैं, जगह जगह योग सिखाएंगे तो क्वालिफाइड योग विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए 1000 योग शिक्षकों के पदों की मंजूरी मिल चुकी है और उन्हें जल्द भरा जाएगा। यह जानकारी अनिल विज ने अंबाला छावनी स्थित नेताजी सुभाष पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने यह भी कहा कि योग दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को योग के प्रति प्रेरित करना है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से निरंतरता में योग करते रहना चाहिए। योग अपनाओ, रोग भगाओ, खुद सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। इसके लिए सभी अपने घर योग अवश्य करें, इससे शारीरिक क्षमता और दक्षता बनी रहती है और बीमारियों से लड़ने की ताकत भी मिलती है। उन्होंने कहा कि 21 जून 2015 को योग दिवस की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर यह योग दिवस निरंतरता में मनाया जा रहा है। विज ने कहा कि 21 जून का दिन सबसे लंबा होता है और इसे लंबी जिंदगी के दृष्टिकोण के साथ इसलिए जोड़ दिया गया कि योग की निरंतरता के चलते आयु भी लंबी होगी। उन्होंने कहा कि योग सिखाने की मांग आए दिन बढ़ रही है। बता दें कि आज समूचे प्रदेश में 1100 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंडीगढ़ से अनिल कक्कड़ की रिपोर्ट।